नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या गोल्ड के प्राइजेस और अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया में जो अभी चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के प्राइजेस जो है थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। और ये वीडियो जो है मैं प्रेडिक्शन के लिए बना रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने के ऊपर आप जो है गोल्ड बाइंग या सेलिंग का जो है डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। तो दोस्तों देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों कुछ समय पहले क्या हुआ था ना कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी, और क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने के बाद में फॉरेन में या फिर विदेशों में जो लोग रहते हैं उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाना शुरू कर दिया। उनको ये लगने लगा कि जैसे गोल्ड जो है अगर मंदी आती है या फिर कोई भी आपदा आती है तो उसमें गोल्ड के प्राइजेस बढ़ते हैं, वैसे ही क्रिप्टो में भी जो है गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गोल्ड की जगह पे क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से आप लोगों ने बीच में देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। लेकिन अभी जो है क्रिप्टो करेंसी एकदम डाउन हो गई है और क्रिप्टो करेंसी के जो भाव है वो बहुत कम हो गए हैं, तो इसके लिए जो है लोगों का भरोसा धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से उठ गया है। और ये जो है लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते थे वो अब गोल्ड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है गोल्ड की डिमांड बढ़ने की आशंका जो है जताई जा रही है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं डॉलर और फिर क्रिप्टो करेंसी के सेल ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, डॉलर एक मजबूत स्थिति में दिख रहा है, और जब भी डॉलर मजबूत स्थिति में होता है तो सारे मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनके प्राइजेस थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि डॉलर और ये जो कमोडिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। तो अभी क्या है, डॉलर इसके लिए मजबूत बना हुआ है कि फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक होता है, तो वो लगातार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद में उसको जो है अपने इंटरेस्ट रेट कम भी करने पड़ेंगे, कट भी करने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे जो है गोल्ड के प्राइजेस और बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और इसके लिए जो है लोग अभी अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए डॉलर जो है सेल कर रहे हैं और साथ ही साथ में क्रिप्टो भी सेल कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई अभी जो है तो सेल आउट करने के बाद ये जो पैसा बचेगा जाहिर सी बात है गोल्ड में लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए भी जो है गोल्ड के प्राइजेस बढ़ने की आशंका है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब शुरू में कोविड आया था तो जैसा हमारे यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लगे थे, तो वैसा ही चाइना में अभी भी चाइना ने जो है अपनी एक जीरो कोविड पॉलिसी रखी हुई है। अब ये जीरो कोविड पॉलिसी क्या है कि अगर मान के चलिए मोहल्ले में एक आध भी पेशेंट निकल गया तो पूरा मोहल्ला जो होता है लॉकडाउन लगा दिया जाता है या फिर उसको बंद कर दिया जाता है। इसकी वजह से मार्केट में जो है डिमांड कम हो रही है और साथ ही साथ में जो है लोग गोल्ड या सिल्वर ऐसी चीजें बाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे तो बाई कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए अब जो है चाइना ये अपनी कोविड की जीरो पॉलिसी जो है वो रिमूव करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा जो है जानकार अनुमान लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि जैसे ही ये जीरो कोविड पॉलिसी रिमूव होगी या फिर थोड़ी सी स्लो होगी, तो इसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी गोल्ड और सिल्वर को लेके, क्योंकि लोग जो है समझ गए हैं कि अभी जो है ऐसी आपदा कभी भी आ सकती है, तो इसके लिए जो है लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, तो इसकी वजह से भी मार्केट में डिमांड बढ़ने की आशंका है। इसके बाद में स्ट्रांग रिटेल डिमांड। स्ट्रांग रिटेल डिमांड क्या है दोस्तों, कि रिटेल में जो है डिमांड स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि पहले देखा होगा आपने कि जब हमारे यहाँ पे कोविड आया था तो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड घट गई थी और गोल्ड और सिल्वर बहुत कम बिक रहा था क्योंकि हर जगह लॉकडाउन था। लेकिन अभी जो वो डिमांड है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, उसी तरीके से चाइना में भी इंक्रीज होने वाली है, और यूएस में तो डिमांड इतनी है कि वहां पे जो है प्रीमियम पे गोल्ड बिक रहा है, 20% 25% प्रीमियम पे गोल्ड कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ वो बिक रहा है। सो इसके लिए जो है रिटेल में इसकी डिमांड बहुत स्ट्रांग बनती हुई दिखती नजर आ रही है। इसके बाद में दोस्तों ईटीएफ इन्वेस्टमेंट जो है अपना इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स से। पहले क्या होता था, इंटरेस्ट रेट जब कम होते थे अमेरिका में तो बहुत सारे लोग जो है ईटीएफ में पैसा लगाते थे, लेकिन अभी जो है लोग वहां से ईटीएफ से पैसा निकाल रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनको पता ही है कि आज नहीं तो कल जो है मार्केट गिरेगा, और जब मार्केट गिरेगा तो ईटीएफ भी जो है अच्छा सा उन लोगों को एक रिटर्न नहीं दे पाएगा। सो दैट्स व्हाई लोग वहां से ईटीएफ से पैसा निकालकर गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ये इतिहास रहा है कि जब जब दुनिया में कोई भी मान के चलिए आपदा आई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो गोल्ड ने एक हेज की तरह काम किया है, गोल्ड जो है एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इसके लिए जब भी आपने देखा होगा 2008 में जब मंदी आई थी या उसके पहले जब जो मंदी आई थी तो उसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइजेस बढ़ गए थे,
लेकिन इस साल जो है गोल्ड के प्राइजेस कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल में है। तो ये जो प्राइजेस है ये बढ़ने की पूरी पूरी आशंका जो है वो मुझे खुद भी लग रही है और जानकार भी ये बता रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आज आने वाला है। आज जो है यूएस अपने इन्फ्लेशन डेटा को रिलीज करेगा। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने क्या किया था, यूएस ने ये किया था कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक किए थे। लेकिन अगर अभी भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता ही हुआ नजर आता है तो जाहिर सी बात है डॉलर थोड़ा सा कमजोर होगा, और डॉलर अगर कमजोर होगा तो गोल्ड के प्राइजेस कल या परसों आप लोगों को थोड़े से जो है नीचे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसके बाद में कंटिन्यूस जो है गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद में दोस्तों मार्च और अप्रैल में, जैसा कि हम लोगों ने पिछले मार्च या अप्रैल महीने में देखा था यानी कि इसी साल के, तो हमारे यहाँ पे गोल्ड का प्राइस क्या था, हमारे यहाँ पे गोल्ड का प्राइस था 54,000 55,000 के आसपास। तो ये गोल्ड का प्राइस जो हुआ था इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था रशिया और यूक्रेन की वॉर। लेकिन रशिया और यूक्रेन की वॉर तो जस की तस चल ही रही है, फिर भी गोल्ड के प्राइजेस जो है इतने कंट्रोल में क्यों है, उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो है गोल्ड के प्राइजेस को थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो गोल्ड पे नहीं होता। जैसे कोई ज्वेलर है, जरूरी नहीं कि वो ज्वेलर MCX में जो है अपनी ट्रेडिंग करे, वो तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से डीलिंग करते हैं, लेकिन MCX में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। MCX में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ETF है, जिनके पास में मान के चलिए बहुत ज्यादा फंड है या फिर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके पास फंड है। तो ये जो लोग है ये कभी कभी गोल्ड बाई करते हैं, कभी कभी सेल करते हैं, तो गोल्ड थोड़ी बहुत कंट्रोल होती है, ऐसा ही ऑल ओवर दुनिया में है। तो इसकी वजह से मार्च और अप्रैल में जो गोल्ड के प्राइजेस गए थे वो 54,000 से 55,000, वो फिर से रिटर्न आने की पूरी पूरी आशंका है। क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि गोल्ड के प्राइसेस अगर एक बार बढ़ गए हो उसके बाद में थोड़े से कम हो गए हो और जल्दी ही 6-7 महीने 1 साल के अंदर गोल्ड ने वो स्तर जो है क्रॉस ना किया हो। तो इसके लिए दोस्तों मुझे ये लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस इन सारे फैक्टर्स की वजह से बढ़ने की पूरी पूरी आशंका है। लेकिन दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, तो आप लोग जो है पूरा अपना डेटा एनालिसिस कर लीजिएगा, उसी के बाद में गोल्ड की बाइंग कीजिएगा। और ये जो मैं बाइंग और सेलिंग की जो भी बातें कर रहा हूँ ये फिजिकल गोल्ड के लिए है, ये किसी भी MCX या ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का फायदा हो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।